हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि 11th स्टैंडर्ड के काफ़ी सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन जो है, जिनकी वजह से आप 12th स्टैंडर्ड के स्टेप्स को लेने में कहीं ना कहीं बच्चों पीछे हो। तो इस थंबनेल के अकॉर्डिंगली इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम का, उस कंफ्यूजन का बच्चों सोल्यूशन देने के लिए आया हूँ। मैं प्रोफेसर अजीत सिंह, फाउंडर ऑफ अजीत एकेडमी। इसी तरह के वीडियोस, आपके कॉमर्स रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, आपके एग्जाम और आपके सिलेबस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों अपने चैनल के थ्रू मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचाता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको ये सारी अपडेट और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके घर पर बैठे बैठे मिले, तो आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों। आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिसको करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ बच्चों आपको मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों आपको पहले बताना चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा कि दैट पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन कैन कम एंड डू इट फॉर यू। पुश योर सेल्फ, अपने आप को बच्चों आगे की तरफ ले जाओ, अपने आप को आगे की तरफ आपको ही ले जाना है। बिकॉज कोई आकर के आपके हाथ को पकड़कर खींचकर और ऐसा नहीं कहेगा कि चल तुझे आगे चलना है, चल तुझे करियर में आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई एंजल आपके लाइफ में बच्चों प्रैक्टिकली नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने माइंड में रियलिटी इस वर्ड को सीड्स कर देंगे, जिस दिन आपका दिमाग अजम्पशन से निकल करके वास्तविकता में बच्चों सोचना शुरू करेगा, उसी दिन आपके ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूजन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों, रियलिटी क्या है आप पहले उसको देखिए। आप वास्तविकता से दूर भाग नहीं सकते। तो रियलिटी बच्चों इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की यह है कि आपके 11th स्टैंडर्ड का जो एकेडमिक ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, 2020-2021 का जो एकेडमिक ईयर है वो बच्चों कंप्लीट हो चुका है। और आप 11th स्टैंडर्ड की एकेडमिक ईयर को कंप्लीट करके काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इस समय कॉलेजेस की एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ कॉलेजेस ने तो एग्जाम लेने से क्लियर इनकार कर दिया है, 11th के रिजल्ट के लिए काफी वेट कर रहे हैं। तो ये जो वेटिंग पीरियड जो बच्चों आपका चल रहा है ना, ये वेटिंग पीरियड नहीं है, ये आपका लूजिंग पीरियड है। ओके, ये आपका लूजिंग पीरियड है बच्चों, क्योंकि आप इस गोल्डन टाइम को ऐसे अननेसेसरी प्रोसेस के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इट इज टोटली वेस्ट। ये चीज आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाएगी और ये चीज ना तो आपके करियर को बिल्ड करने में बिल्कुल किसी प्रकार का हेल्प करेगी। तो आपके माइंड में इन सभी सिस्टम्स को लेकर के, जैसे कि हमारी 11th की एग्जाम कब होगी, ओके? हमारा 11th का रिजल्ट कब आएगा, 12th के एडमिशंस कब शुरू होंगे, मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूं। क्या ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है? क्या आप इसका सलूशन जानते हैं? क्या आपके ऐसा सोचने पे ये सारी चीजें क्विकली हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, ये पैंडेमिक सिचुएशन है और हमारे देश में सबसे पहले डिसीजन जो है वो इमरजेंसी चीजों का लिया जाता है। तो गवर्नमेंट को बच्चों ये चीजें जहां पर आप अभी स्टक हुए हैं, ये इमरजेंसी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये चीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके करियर का ये सबसे गोल्डन टाइम चल रहा है बच्चों, और इसको कैसे आप यूटिलाइज करते हो ये पूरी चीज आप पे डिपेंड करती है। आपको पता होगा देयर आर मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स आर देयर who are enrolling their self for the board exam every year. तो आप भी बच्चों उसी 15 लाख स्टूडेंट में से हो, और रेगुलरली देखा जाए तो हजारों स्टूडेंट इस नेगेटिव माइंड को छोड़ करके पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों ला रहे हैं और अपने 11th स्टैंडर्ड में जो किया या जो नहीं किया उस सिस्टम को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस, 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन, 12th स्टैंडर्ड के लिए हमारा बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या होगा जहां पर हम इजीली अपने स्टडी की बच्चों शुरुआत सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, इसकी शुरुआत बच्चों काफी लोगों ने कर दी है।
और आप अगर उनमें से है जो इस सिस्टम के डिसीजंस का इंतजार कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगेन आई विल से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो आप बच्चों इस सभी सिस्टम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपकी निगेटिव सोच, आपका अजम्पशंस इन सभी बातों का रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन जिस दिन आपके माइंड में बच्चों रियलिटी आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है, वहीं पर आपके इस प्रॉब्लम का बच्चों सोल्यूशन निकल जाता है। आपको पता है आपके 11th की स्टडी हो चुकी है, तो आपके 11th के बाद में क्या आप फिर से 11th पढ़ने वाले हो? बिल्कुल नहीं। 11th के बाद में हर स्टूडेंट 12th में जाता है। तो 12th स्टैंडर्ड में जब आपको पता है कि आज नहीं 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका 12th का एडमिशन प्रोसेस शुरू ही होगा, तो वो एडमिशन प्रोसेस बच्चों एक फॉर्मेलिटी है जो गवर्नमेंट को तब शुरू करना होगा, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कहीं बांध के नहीं रखा है कि आप अपनी पढ़ाई मत करो, आप अपने स्टडी के सिस्टम को शुरू मत करो। तो स्टूडेंट प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि आपके 11th स्टैंडर्ड की स्टडी के अंदर अभी से स्टक मत रहो और 12th की प्रिपरेशन का बच्चों जो बिगिनिंग है वो आपको शुरू कर देना है। 12th स्टैंडर्ड में क्या सिलेबस है, 12th में हमारा कौन सा बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा जो हमारे गाइडेंस में हमें एजुकेशन नॉलेज हमें प्रोवाइड करेगा, जिसके बेसिस पे हम 12th स्टैंडर्ड के अच्छे परसेंटेज बच्चों स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी आपदा परमानेंट नहीं होती, कोई भी आपदा परमानेंट नहीं होती है, हर आपदा बच्चों टेम्परेरी होती है। तो ये आपदा भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जा रही है और इसका सोल्यूशन बच्चों निकलता जा रहा है। और आप यहां पर अगर टाइम को वेस्ट करेंगे तो इस आपदा से जितना नुकसान बच्चों नहीं हो रहा है, उतना इस टाइम को वेस्ट करने की वजह से आपके करियर में होगा। सो प्लीज आप इन सभी निगेटिव थॉट से निकल कर अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरिए बच्चों, क्योंकि कोई भी निगेटिव माइंड कभी भी कोई पॉजिटिव आइडिया नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो आप अपने माइंड को अपने 12th स्टैंडर्ड की स्टडी पे जब तक मूव नहीं करेंगे, वो एनर्जी बच्चों अपने अंदर आप जब तक नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। भले आप ऐसे 100 वीडियो देख लो, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब आपके माइंड का प्रिपरेशन, आपके माइंड की तैयारी बच्चों आपने करी होगी। ओके, तो मैं फिर से कहूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट नाउ योर 12th स्टैंडर्ड स्टडी प्लानिंग फ्रॉम टुडे ओनली। एंड इफ यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प इन द प्लानिंग ऑफ द 12th स्टैंडर्ड स्टडी, यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर, यू हैव टू कंसल्ट विथ अस, ओके, एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम राइट नाउ। ओके, तो बच्चों इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए बनाते रहूंगा, जिससे कि आपके माइंड के निगेटिव थॉट्स निकल करके आप एक नए रास्ते पे, एक सही रास्ते पे बच्चों चलो। तब तक के लिए आप हमारे बाकी के एजुकेशनल वीडियोस बच्चों देखते रहिए। जय हिंद।